महिमा जिनकी बड़ी निराली, मन वांछित फल देने वाली, वेद पुराण बखाने जिनको। श्री बद्रीनाथ धाम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सभी श्रद्धालुओं का बद्रीनाथ धाम में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो पे आने के लिए। तो गाइस, हम लोग बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। ये रहा बद्रीनाथ का बस स्टेशन, जो कि बहुत ही देखने में खूबसूरत एक नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। और यहाँ आने के लिए आपको रुद्रप्रयाग से आपको 160 किलोमीटर बस यात्रा करने के बाद आप यहाँ पहुँचोगे बस स्टेशन श्री बद्रीनाथ धाम। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम में और आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। आप देख सकते हो कि पूरा शहर बसा हुआ है बद्रीनाथ में, जो कि केदारनाथ में पैदल चलना होता है, तो यहाँ वैसे ही 1 किलोमीटर आपको पैदल चलना होता है। और ठंड भी भाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आप देख सकते हो मैंने कुछ कपड़ा पहना हुआ नहीं है, खास ठंड बहुत ज़्यादा है। रूम लेने के बाद कपड़ा पूरी तरह से फोड़ना होगा। पूरा शहर बसा हुआ है यार यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है श्री बद्रीनाथ। पूरा ऊपर देख सकते हो आप, बादल से पूरा छाया हुआ बद्रीनाथ धाम। चारों धाम में दूसरा धाम बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री। इंटरनेट स्पीड की बात करो तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट स्पीड है, 2 MB/s स्पीड है। यहाँ नेटवर्क की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। जय बद्री विशाल। तो गाइस, हम लोग पूरी तरह से पहुँच चुके हैं जय श्री बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम में। आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। और यहीं पे भारत का लास्ट गांव है, हम वहाँ पे भी जाएंगे, आपको जरूर दिखाएंगे भारत का अंतिम लास्ट गांव। तो एक बार जरूर लिख दे जय हिंद। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं श्री बद्रीनाथ मंदिर, जो कि आप देख सकते हैं। ये रहा मेरे पीछे श्री बद्रीनाथ बाबा का मंदिर। और यहाँ आने के लिए आपको ऋषिकेश से 300 किलोमीटर लगभग यात्रा करने के बाद यहाँ पहुँचना होगा बस स्टैंड, और वहाँ से आपको 1 किलोमीटर पैदल आने के बाद ये श्री बद्रीनाथ मंदिर। आप देख सकते हो बादल कितना ऊपर पर पहाड़ की तरफ, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ बादल चारों ओर घिरा हुआ है और चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और ये चार धाम में दूसरा धाम बद्रीनाथ धाम। हेलो प्रकाश, जय श्री बद्रीनाथ। ये बहुत ही आकर्षक ये जगह, और ये देख सकते हैं पानी की लहरें कितनी तेज मात्रा में यहाँ पे आ रही है। श्री नारद कुंड, हेलो, हम बद्रीनाथ आए हुए हैं, बहुत
ही बेहतरीन है, बहुत ही सुंदर। बद्रीनाथ मंदिर सामने। हाय पंकज, वहाँ चलना हम लोग चलना आना आ दिखा दे, वहाँ नीचे की तरफ जाना है, देखो परम कुंड है। हाँ चलना वहाँ पे स्नान करना है, चलना ना तो। नहीं नहीं वहाँ पे जा रहा है लोग पैर धोने के लिए, तो श्री बद्रीनाथ बाबा की जय। और हम पूरी तरह से यहाँ श्री बाबा बद्रीनाथ के पास पहुँच गए हैं और यहाँ देख सकते हैं कितना भक्तजन यहाँ पे आए हुए हैं दर्शन के लिए, और पूरी तरह से एकदम अद्भुत एक नज़ारा आप सभी के सामने। देख सकते हैं ऊपर चारों तरफ ठंडा मौसम हुआ है और यहाँ ठंडा का भी बहुत ज़्यादा मौसम है, और वहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं कि नहाने की भी व्यवस्था यहाँ मौजूद है, और इधर मार्केट वगैरह सब मौजूद है, आपके होटल लॉज जो भी खाने पीने की वस्तुएं आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मौजूद आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे आस पास की सारी दुकानें यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं वहाँ बाबा बैठे हुए हैं श्री नारायण, और चारों तरफ से यहाँ दुकानें। मैं आपको पहले बता चुका कि बद्रीनाथ आने के लिए आपको ऋषिकेश से आपको 300 किलोमीटर गाड़ी से आना होगा, रुद्रप्रयाग होते हुए आप यहाँ आओगे बद्रीनाथ।